नमस्कार साथियों, पुनः आपका स्वागत है TTC गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक्सेल शीट में सबसे पहले तो डाटा को क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस डाटा को PNG फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक उसी को आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास डाटा नहीं है, तो सबसे पहले हम डाटा को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि उसे PNG फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर डाटा क्रिएट किया था, ठीक है, उसे अब हम PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें कंट्रोल ए करना होगा। क्या करना होगा? कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है, जिससे हमारा सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल सी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें MS वर्ड को ओपन कर लेना है, ठीक है। MS वर्ड में भी यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप कर लेना है। इसके बाद आपको अपने माउस का जो है राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा पिक्चर का, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पिक्चर के क्लिक कर देना। अब जो आपका डाटा था वो PNG फॉर्मेट में सेव हो चुका, सॉरी यहाँ पर MS वर्ड में आ चुका, ठीक है। अब रही बात इसे सेव करने की, तो आप किसी भी फोल्डर में इसे सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको माउस का अपने फिर से राइट बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेव एज पिक्चर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ फोल्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना यहाँ से फोल्डर चूज कर सकते हैं जिसमें अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं। हम यहाँ पर पिक्चर में सेव करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसका नाम दे देना है, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहें। इसके बाद यहाँ पर सेव टाइप में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर PNG रहेगा, अगर ना हो तब भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर PNG सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट पहली बार तो रहेगा ही। इसके बाद सेव पे क्लिक कर दें, ठीक है, क्योंकि इस नाम से पहली पिक्चर सेव कर जो वार्निंग दे रहा है, ठीक है, तो हम उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर यहाँ पर हमारी फोल्डर में हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसे मिनिमाइज कर देते हैं, इसे भी यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। इसके बाद इस PC को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसे इस पर ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पिक्चर फोल्डर दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लेना आपका पिक्चर फोल्डर कहाँ पर है, जिसमें आपने सेव किया वो आपको वो फोल्डर ढूंढना है, ठीक है। जिसे इस पर हम क्लिक करें तो हमने जो पिक्चर अभी सेव की थी वो हमारी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो सच में पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें हमारे चैनल पर, अगर पहली बार हम तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।